अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में बहुत ही बड़ा दुराचार हो रहा है। उनकी किसी प्रकार की कोई मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आए दिन दलित वर्गों के ऊपर शोषण के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। राजस्थान की सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके विरुद्ध में आज हमारे युवा मोर्चा द्वारा भव्य विरोध प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ में हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से बड़ी संख्या में आके कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दे के प्रदेश की स्थिति को जल्दी सुधारें, अन्यथा पद से हटें, ये हमने मांग की है। और आने वाले समय में यदि इसी प्रकार की लचर कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा तो भारतीय जनता पार्टी के सभी विंग मिलके बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करके कांग्रेसी सरकार की नींवें हिला देंगे। प्रदेश भर में दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आज हमने धरना प्रदर्शन किया। आज प्रदेश भर में जैसे ही इनकी सरकार बनी उसके बाद 17,521 केस ST/ST दर्ज। और आपको एक बताना चाहूँगा कि मई और जून में 35% ST/ST मुकदमे दर्ज वृद्धि हुई है। सरकार हर विफलताओं में नाकामी रही है, उस सरकार की नाकामी को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर के मार्फत हमने राज्यपाल महोदय को हमारी उस जो कृष्णा वाल्मीकि की जो हत्या हुई उस परिवार को 1 करोड़ देने का हमने मांग की है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।